क्या आपको भी चाहिए ऐसी खूबसूरत स्माइल? तो इसका इलाज है सॉफ्ट ड्रिंक्स। जी हाँ, डेली सॉफ्ट ड्रिंक पीजिए और पाइए ऐसी चमचमाती स्माइल जिसे देखकर लोग बोले भैया जी स्माइल। कोल्ड ड्रिंक्स पीना किसे नहीं पसंद है, कुछ लोग तो हर रोज इसे पीते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हो? तब तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के बाद शायद आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने से पहले 10 बार सोचोगे। एक रिसर्च से ये पता चला था कि सिर्फ इंडिया में ही लाखों लोग ऐसे हैं जो कि हर दिन सॉफ्ट ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं, यानी सॉफ्ट ड्रिंक पिए बिना उनका दिन गुजरता ही नहीं है। आजकल लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स को इतना ज्यादा पसंद करने लगे हैं कि लोग पानी की जगह सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना प्रेफर करते हैं। लेकिन लोग इस बात से अवेयर ही नहीं है कि ये कोल्ड ड्रिंक्स हमारे हेल्थ पर कितना ज्यादा अफेक्ट करते हैं, और शायद इसी वजह से अपने रोनाल्डो भाई साहब ने ये करके लोगों को एक अच्छा मैसेज पास ऑन किया था। अब आप ही बताओ इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता क्या है? कार्बोनेटेड वाटर यानी सोडा और बहुत सारा शुगर, यानी बेसिकली हम बस शक्कर का पानी जिसमें हवा भरी हुई है वो पीने के लिए हर रोज पैसे खर्च कर रहे हैं और हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। क्या आपको पता है एक छोटे कोक के कैन में कुछ 140 से 150 कैलोरीज होते हैं, यानी रोज के 150 कैलोरीज तो सिर्फ कोक की वजह से इंटेक होंगे। उसमें 7 से 8 टीस्पून शुगर होगा। अब इससे वजन तो आपका दुगना बढ़ जाएगा। इन कोल्ड ड्रिंक्स में और एक इंग्रेडिएंट होता है जो कि आपकी ब्लड शुगर को एकदम से ही बढ़ा देता है, वो है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। अगर आपकी बॉडी में ये फ्रुक्टोज हर रोज जा रहा है तो आपको डायरेक्ट टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, जो कि डायबिटीज में सबसे सीरियस मेडिकल कंडीशन है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि हम डाइट कोक पियेंगे भाई, इससे तो हमें कुछ नहीं होगा। ये तो ऐसे हो गया ना कि बाहर का खाना अनहेल्दी है तो उसे घर पर लाकर खाओ। कोई सेंस है इस बात क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ नाम के डाइट कोक होते हैं, इनमें भी शुगर सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जो कि रेगुलर कोक के मुकाबले ज्यादा स्वीट होते हैं। एक स्टडी से तो ये भी पता चला था कि डाइट कोक लेने से आपका बेली फैट 3 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। जब ये सॉफ्ट ड्रिंक्स इन्वेंट हुए थे तब उन्हें हेल्दी माना जाता था। क्या बोला तूने? लेकिन जब इसके लैब स्टडीज हुए तब ये पता चला कि इन ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक एसिड होता है जो कि हमारे बॉडी की कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है। गजब तो भी बाजा दे। अब कैल्शियम नहीं रहेगा तो बोन्स वीक हो जाएंगे, फिर तो आपको कभी भी बोन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। और रोज ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पियोगे तो आपके दांत ज्यादा दिन तक रहेंगे ही नहीं, क्योंकि वो मीठा पानी रोज आपके दांतों में जाएगा। कैविटी प्रॉब्लम्स तो होगी ही, लेकिन उसके साथ आपके दांतों में इनामल इरोजन भी हो सकता है, यानी आपके दांत पूरी तरह सड़ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। अब रोज कोल्ड ड्रिंक पीने से आपका शुगर तो बढ़ चुका है, आप मोटे भी हो गए हो, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा, कैल्शियम की कमी है। अब इसका मतलब ये कि इनडायरेक्टली ये सब आपके हार्ट पर अफेक्ट करेगा, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और फिर आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। आज पूरे वर्ल्ड में सॉफ्ट ड्रिंक्स का मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग इन्हें ऐसे पीते हैं जैसे मानो कोई नशा ही हो। बस एक बार पी लो, रोज पीने का मन करेगा, क्योंकि जैसे कॉफी में कैफीन होता है जिससे हमें एनर्जेटिक फील होता है, वैसे ही इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी कैफीन होता है। अब इसका ज्यादा इंटेक लेने से आपको किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। किडनी खराब है उसका? आपको बहुत ज्यादा हेडेक होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मूड खराब ही रहेगा, पर फिर भी आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करेगा। और ये सारे निगेटिव इफेक्ट्स कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद सिर्फ 1 घंटे में ही आपके बॉडी पर अफेक्ट करने लगते हैं। तो अब आप ही सोच लो कि इन कोल्ड ड्रिंक्स पर आप खुद को कितना हावी कर रहे हो और अपने बॉडी को कैसे बर्बाद कर रहे हो। अगर आप मुझसे 1% में एग्री करते हो तो कमेंट्स में आई एग्री ऐसे लिख दो और इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को ज्यादा अमाउंट में पीना जल्दी से जल्दी बंद कर दो। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ हम मजेदार फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको भी इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहना है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।